हेलो फ्रेंड्स, तैबास किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस और इजी टू मेक स्वीट डिश शेयर करेंगे, जिसका नाम है फ्लफी और स्पॉन्जी गुलगुले। तो चलिए हम अपनी इस डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठे गुलगुले बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं लगभग आधा किलो गुड़, एक छोटा बाउल सूजी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 4 हरी इलायची और गेहूं का आटा। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए हमने स्टील का बर्तन लिया है। सबसे पहले हम इसे हीट कर लेंगे। इस बर्तन में हम थोड़ा सा पानी गर्म कर लेंगे। लगभग 2 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम धीरे धीरे कर इसमें गुड़ मिलाएंगे ताकि इसकी चाशनी बन सके। इस तरह फ्रेंड्स, हमने सारा गुड़ इसमें मिक्स कर लिया है। अब जब तक ये गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, हम इसे 5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। अब ये गुड़ की चाशनी पूरी तरह से तैयार है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे। तो आइए, अब हमारी चाशनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम हमारे मीठे और फ्लफी गुलगुले का बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी को छान लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 छोटा कप सूजी ताकि ये सॉफ्ट और फ्लफी बने। हमने बड़ी शोक और इलायची दरदरी पीस ली है, वो भी हम इसमें मिला देंगे। बेकिंग सोडा और ये हमने लिया है 1 चुटकी नमक। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक मिलाना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम स्पून से थोड़ा सा स्टिर कर लेंगे और इसमें गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा कर मिलाएंगे। आपको गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा कर मिलाना है ताकि इसके लम्स ना बने और ये अच्छे से डिसॉल्व हो सके। अब हम अपने हाथों से इस आटे को अच्छे से इस बैटर बना लेंगे और हम आटा इसमें ऐड करेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा बैटर ज़्यादा थिक ना बने और इसमें लम्स ना पड़े। हमें ये बैटर सॉफ्ट बनाना है। आप देख सकते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। बस हमें इसे अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। हमें ये ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, थिन भी नहीं बनाना है। अब हम इस बैटर को ओवरनाइट तक भीगने देंगे ताकि हमारे मीठे गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बन जाए। आप चाहे तो इसे 1 घंटा भी भिगोकर बना सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ये भीगेगा उतने ज़्यादा हमारे गुलगुले स्वादिष्ट और फ्लफी बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर अच्छी तरह से भीग गया है। हमने इसे ओवरनाइट भीगने के लिए रख दिया था। जैसा कि हमने कहा, आप इसे 1 घंटा या 2 घंटे भी भिगा सकते हैं, लेकिन अगर ओवरनाइट भिगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से हमारे गुलगुले बन जाएंगे। अब आइए, हमने कढ़ाई में अपना तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये तेल हीट हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा तेज़ हीट नहीं करना है। हम फ्लेम मीडियम रख देंगे। हम चेक कर लेंगे हमारा ऑयल गरम हुआ है या नहीं। थोड़ा सा हम एक छोटा सा इसमें बैटर का बॉल डाल देंगे। आप देख सकते हैं
ये ऊपर आ चुका है, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम हमारे हाथों की मदद से इसमें छोटे छोटे गुलगुले डाल देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे गुलगुले फ्राई हो रहे हैं, इसमें से एक दो ऊपर भी आ रहे हैं। हम इसे हिलाएंगे नहीं जब तक के सब ऊपर नहीं आ जाते, नहीं तो ये इसका कलर अच्छी तरह से नहीं आएगा। अब ये एक एक करके ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसे स्टीर करना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, हमें इसे थोड़ा मरून कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे गुलगुले मरून हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया और मरून हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर। ये देखिए फ्रेंड्स हमने टिश्यू पेपर ले लिया है एक बाउल में, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है ये सोख ले। इसी तरह हम ये निकाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मीठे गुलगुले रेडी टू सर्व है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी और डिलीशियस है। आप इसे देख सकते हैं ये अंदर से कितने फ्लफी और सॉफ्ट बने हैं। तो हम चाहेंगे आप हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।